कि आखिर तीसरा मोर्चा क्यों नहीं बना, आखिर नई पार्टी का ऐलान क्यों नहीं हुआ। और मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि शुरुआत हमने नागौर से करी थी, हम सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम इस आंदोलन के माध्यम से राजस्थान के जवान किसानों को उनका हक और अधिकार दिलाएंगे और उसके बाद इस 70 साल की व्यवस्था परिवर्तन हम करेंगे। समय लग जाता है, मुझे बार बार मीडिया के लोग ये कह रहे थे कि तीसरा मोर्चा आज से पहले नहीं बना, तो मैं उनको एक ही बात कह रहा था, तांतिया टोपे ने 1857 के अंदर क्रांति का आगाज किया था और आजादी 1947 के अंदर मिली थी। कितने ही वीर शहीद हो गए भारत माता के लिए, भारत माता को गुलामी की पीड़ों से मुक्त कराने के लिए, और हनुमान बेनीवाल भी एक शहीद की भूमिका के अंदर इस राजस्थान में लड़ता रहा। विपक्ष कहने को तो कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर अगर किसान के बेटों को पे कभी सुई भी चुभी, किसान के कभी सुई भी चुभी, तो दर्द हनुमान बेनीवाल ने महसूस किया और सड़क से लेकर विधानसभा तक आपके मान सम्मान की लड़ाई मैंने राजस्थान के अंदर लड़ी। और ये लड़ाई 2009 से मैं लगातार लड़ रहा था, मैंने 2013 के अंदर भी मोर्चा बनाने का प्रयास किया, डॉक्टर किरण लाल जी मीणा राज्यपाल लेके आए थे, तब मेरा इस बात को लेकर उनसे नाराजगी थी कि आप तो नई पार्टी की बात कर रहे थे, आप तो पुरानी पार्टी लेके आ गए, मैं आपकी पार्टी से नहीं लड़ूंगा, आपके साथ हम जरूर रहेंगे। और मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, मैं निर्दलीय जीता, वो 4 सीट लेके राजस्थान के अंदर उन्होंने मोर्चे को मजबूती देने का प्रयास किया था, लेकिन अब जब जीत के हम आए थे 13 के अंदर, उसके बाद पहले दिन से ही जब सरकार बनी वसुंधरा ने शपथ ली, और शपथ लेते ही वसुंधरा ने कहा कि नागौर खींवसर के अंदर किसानों के कनेक्शन काटो, और आरएससी के भारी लवाजमे के साथ एसपी कलेक्टर खींवसर नागौर के किसानों के वहां पे इस तरह घुसे जैसे सर्च ऑपरेशन करने के लिए मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्स नक्सलवादियों के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल पर तेजा जी की कृपा थी, राजस्थान के जवान और किसान का आशीर्वाद था कि वसुंधरा के शपथ लेने के बाद अगर 24 घंटे बाद अगर किसी ने लड़ाई की शुरुआत की तो खींवसर के विधायक ने नागौर के कलेक्टर से वसुंधरा को चेताया था, या तो वसुंधरा रहेगी या हनुमान बेनीवाल रहेगा, मैं किसानों का कनेक्शन नहीं काटने दूंगा। और धीरे धीरे ये लड़ाई 5 साल निकल गए, उसके बाद कितनी लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ ली, लेकिन मेरा हौसला कभी पस्त नहीं हुआ, मेरे भाइयों का आशीर्वाद मेरे साथ था। कई बार मुझे लगता था कि लड़ाई के अंदर मैं अकेला पड़ रहा हूं, तब शेखावाटी, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, अलवर, भरतपुर, चूरू और गंगानगर, हनुमानगढ़, इस राजस्थान के प्रत्येक इलाके से, प्रत्येक कोने से जवानों की, किसानों की आवाज आती, हनुमान जी वसुंधरा को ठीक करना है, गहलोत को भी ठीक करना है, आपको राजस्थान को बचाना है, राजस्थान की संस्कृति को बचाना है, राजस्थान के मान सम्मान को, गौरव को पुनः लौटाना है। इस लड़ाई के अंदर हिम्मत मत हारना, राजस्थान का जवान और किसान आपके साथ खड़ा है। और मैंने उनकार भरी नागौर से, तब किरोड़ी लाल जी के साथ मैं रैलियां करता था, और किरोड़ी लाल जी की रैलियों के अंदर जो भीड़ होती थी, मैंने डॉक्टर साहब को एक बार कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन जब मैं भीड़ करूंगा तब आपकी भीड़ से 10 गुना ज्यादा भीड़ होगी। वो कहते थे कभी हो ही नहीं सकता, लड़ाई लड़ी नहीं किसी ने, मैंने ही लड़ाई लड़ी। मैंने कहा ये भ्रांति भी आपकी दूर करेंगे। और जब मैंने नागौर के अंदर रैली करी तो 3 किलोमीटर तो सड़क और 60 बीघा का मैदान भर गया, ऐसी रैली हुई जो राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई। और उसके बाद बाड़मेर के बॉर्डर पे नागौर के अंदर लोगों ने कहा, इनका जिला था, इन्होंने रैली कर ली और मुद्दों को लेकर मैंने रैली की। मैंने कहा किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए, मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, संपूर्ण 82,000 करोड़ का कर्जा माफ हो, दिल्ली के धरना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है तो राजस्थान के किसान का भी 82,000 करोड़ का पूरा ऋण सरकार माफ करे, और टोल मुक्त राजस्थान हो, मजबूत लोकपाल हो और बेरोजगारी भत्ता मिले और कानून का राज हो। नागौर की रैली के बाद लोगों ने कहा, इनका जिला था, कुछ जवान राजस्थान से आगे और रैली कर ली, दूसरी रैली बाड़मेर में करेंगे जब हनुमान जी को मान जाएंगे। तो मैंने बाड़मेर के अंदर हुंकार भरी, देश तो हिला, पाकिस्तान भी हिल गया। उस समय किरोड़ी लाल जी ने भाषण दिया था कि मेरा मन मचल रहा है,
मैं इतने लोगों को लेकर पाकिस्तान कूच कर जाऊं, उनका मन मचला जरूर था, लेकिन वसुंधरा भी मचल गया और वापस इधर आ गए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हनुमान बेनीवाल लड़ता रहा। तीसरी हमने बीकानेर के अंदर, हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर, और चौथी रैली जब डॉक्टर साहब मुझे छोड़ के चले गए, तब लोगों ने कहा था अब किरोड़ी जी नहीं है तो शिखर की रैली कैसे होगी। मैं धन्यवाद दूंगा शेखावाटी के और राजस्थान के जवानों को, किसान के बेटों को, कि शेखावाटी के अंदर उन्होंने जो नागौर से आंधी चली थी उसे शिखर में तूफान बना दिया, और अब जयपुर के अंदर 29 अक्टूबर का जिसको सबको इंतजार था, सुनामी आएगी, जयपुर हाईवे सारे और जिस मैदान को अपन चुनेंगे उस दिन राजस्थान का जवान और किसान जयपुर के 40 किलोमीटर दायरे के अंदर नजर आएगा, चारों तरफ जाम लग जाएंगे। ये ऐसी रैली होगी जो देश के अंदर न तो कभी हुई और न होगी। कई लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि आप रैली के अंदर लेट हो गए, मैंने कहा मैं मुहूर्त के हिसाब से सारा काम करता हूँ, और जब सही आवश्यकता होती है उसी समय मैं चोट मारता हूँ। नवरात्रा भी है, रैली का मुहूर्त भी ऐसा चाहिए था, क्योंकि मेरी रैलियां ऐसी रैलियां हैं जहाँ 5-5 लाख की भीड़ होने के बाद भी कभी किसी का टायर पंचर भी नहीं बना देता हूँ। मैं 6-8 घंटे तक ध्यान रखता था, मैंने कहा 2-3-4 बजे तक जगता था कि कहीं ऐसी कोई बात नहीं आ जाए, कोई बच्चे बदमाशी नहीं कर ले। हाँ, थानों के सामने और एसपी के घर के सामने जरूर हूटर बजाते थे लड़के, मैं देखता था। वो थानेदार फोन करते साहब हूटर बजाओ, मैं तो बजाने दे, तेरा क्या जा रहा था, बजाने दे हूटर। ठीक है साहब, चिड़ाते हुए जा रहे हैं, मैंने कहा तो चिड़ा ही नहीं। ये उस पुलिस व्यवस्था को जो अंग्रेजों की राज है, वो कानून है, उसके खिलाफ है हमारे लड़के। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आज, वैसे कई लोगों की अलग मंशा थी, कई लोग कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब लोगों को इकट्ठा करना है, क्या उनका 10,000 की भीड़ करो। मैंने कहा आप सब लोग परेशान हो जाओगे, राजस्थान के कोने कोने से आपको बुलाऊंगा। तो मैंने रात को 11 बजे प्रमुख लोगों से बात करके ये तय किया कि नवरात्र का मुहूर्त है और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और आप रात को 11 बजे जैसे ही फेसबुक पे ये बात डाली, कुछ लोगों से बात हुई, आप हजारों की तादाद के अंदर यहाँ पहुंच गए। राजस्थान के हर कोने से यहाँ प्रमुख लोग आप लोग आए हैं, ज्यादा युवा शक्ति है, और हमने यहाँ सीधा हमें प्रेस को एड्रेस करना था, लेकिन ज्यादा तकलीफ नहीं दी। लेकिन मेरे भाइयों का इतना प्रेम है कि मुझे अकेला छोड़ते ही नहीं। मैं जब सड़क पर निकलता हूँ, एक गाड़ी लेके निकलता हूँ तो 150 गाड़ी जिधर निकलता हूँ आप तैयार हो जाते हैं। इसके लिए भी आपको धन्यवाद, और पिछले 15 साल के आपको तो धन्यवाद इस बात का कि आपने लड़ाई को जिंदा रखा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर संघर्ष करके भूखे प्यासे भी किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल की रैलियों को कामयाब करने के लिए रात और दिन, रात को 2-2 बजे भी मेरे साथ लगे रहे। मेरे पास 1 पैसा नहीं था, लोग कहते थे कैसे रैलियां करोगे, और जब रैलियां होने लगी तब लोग ये भी कहने लगे कि रैलियां कहां से हो रही है, ये मेरे भाइयों ने ही रैलियां कराई है सारी, जो गांव से किस तरह बस भर के लाते थे, और किस तरह एक जगह बाड़मेर के अंदर कोई मेरे गांव से मेरे पास टेलीफोन आया, बोले साहब आप तो वास्तव में राजस्थान में परिवर्तन करोगे, गांव के बच्चे 100-100 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं कि गाड़ी तेरी 10 सवारी होगी और 1,000 का तेल डलवा देंगे, 10 दिन हम चलेंगे। और एक जगह टेलीफोन आया, बोले 2 लड़के 100-100 रुपए इकट्ठे करके बोले कि हम 200 रुपए हम दे देंगे और मोटरसाइकिल तेरी हम 3 सवारी चलेंगे। तो ऐसा प्यार प्रेम इन किसान के बेटों का मेरे प्रति है, इसलिए मैंने भी लड़ाई की ठान रखी मेरे भाइयों, और मैं हमेशा आपको कहता था सही समय पे उचित निर्णय होगा। 10 दिन से मेरे से भी बहुत नाराज हो रहे थे सोशल मीडिया पे कि धोखा कब दोगे, क्या करोगे, उसका कारण था बेचैन हो रहे थे लड़ने के लिए। हम भी सही समय का इंतजार कर रहे थे कि सही समय आए, सही समय पे घोषणा हो और हमारी जयपुर की रैली हो। वो उन 5-5 लाख की जो हमने रैलियां करी उसके सारे रिकॉर्ड तोड़े, वो देश की सबसे बड़ी रैली हो, इसलिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। आज वो सही समय आ गया और 29 अक्टूबर ही हमारे लिए राजस्थान के अंदर परिवर्तन का वो ऐतिहासिक दिन होगा, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि राजस्थान के अंदर 29 तारीख को आपने ताकत दिखा दी, इस ताकत को पूरा देश देखेगा। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, पहले जयपुर पे फतेह और फिर लाल किले पे भी किसान का बेटा झंडा फहराएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, तो किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। लोग मोदी से भी तंग आ गए और पप्पू को देख के हंसते हैं, तो क्या करेंगे देश में, आप ये बताओ। राजस्थान में तो हमें परिवर्तन करना ही करना है,
देश में भी मेरे भाइयों परिवर्तन करना है, इसकी तैयारी भी आप कर लो, क्योंकि यहां तो जो भी आएंगे ना वो आपको एक नई बात लेके आएंगे, धोखा देके चले जाएंगे। मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूं, मेरी लड़ाई आप लोगों के लिए, जैसा कि अभी बलदेव जी बता रहे थे, कृष्ण जी, महिपाल जी, राजू राम भाई, सब लोगों ने इन्होंने जो बात कही कि लड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और हिम्मत उनको ही मिलती है जो सच्चे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं। मैंने मेरे जीवन के अंदर कभी पानी की बोतल ही नहीं मंगाई किसी, इससे ज्यादा ईमानदार तो और क्या मिलेगा। और मैंने प्रयास किया कि कोई पीड़ित व्यक्ति अगर मेरे घर पे आए तो खाली हाथ नहीं जाए, चाहे मेरे को इधर उधर से करके व्यवस्था करनी पड़ी, उसको बेरंग मैंने नहीं लौटाया। हर आदमी का काम करने का राजस्थान के अंदर प्रयास किया। और 1995 के अंदर जब मैं लो कॉलेज का प्रेसिडेंट था, 95 को तो बताओ 23 साल हो गई, तब भी मैं 15 घंटे कार्यालय में बैठता था, 15 घंटे, और आज भी 20 घंटे आपके बीच बैठता हूँ, 15 घंटे बैठता हूँ, काम करता हूँ, टेलीफोन करता हूँ, प्रयास करता हूँ, संघर्ष भी करता हूँ, लड़ाई भी लड़ता हूँ। और सबसे बड़ी बात, आपको इस चीज की खुशी होनी चाहिए कि लोग तो आंदोलन करते हैं, लाठी गोली चलवा देते हैं, अपने लोगों को मुकदमा भी दर्ज करवा देते हैं, और उसके बाद ये भी कह देते हैं कि मैंने कहा था कि लड़ने के लिए, क्यों लड़ा, ये कहते हैं लास्ट। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने इस प्रदेश में लड़ाई लड़ी, युवाओं पे कभी लाठी गोली नहीं चलने दी, और आपका दबदबा भी बरकरार रखा, और देश की सरकारों को हिला दिया। और अब वसुंधरा तो भाग गई, अब तो मोदी डर गया, आप 29 अक्टूबर को रैली करोगे तो पूरा देश इन राजस्थान के जवानों का लोहा मानेगा। मेरे भाइयों, मैंने मेरा भी ध्यान रखा और आपका भी ध्यान रखा। वसुंधरा से लड़ना कोई छोटी बात नहीं है, एक छोटे से थानदार से लड़ो तो दिन में तारे दिखा दे। मैंने तो सीएम से ओरिजिनल लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस वाले तो जो विधानसभा में नारे लगाते थे तो वसुंधरा के खिलाफ नारे नहीं लगाते, तो बैठी रहती थी, जब लगाते थे तो भी हाथ यूं करके लगाते छुप के, ताकि वसुंधरा देख नहीं ले कि नारा कौन लगा रहा है। ये तो हनुमान बेनीवाल था, जब भी वसुंधरा खड़ी होती थी एक बार तो उसको बिठाता था, पानी पीना पड़ता था, बैठ नीचे नहीं बोलने को, वो मैं ही करता था, सड़कों पर भी लड़ा, और उसको टेलर अगर दिखाया, अभी हवा हवाई कराया। मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर के मेरे जवानों को कि पिपाड़ के अंदर और ओसिया के अंदर ऐसा स्वागत किया कि रोड शो बंद करके हेलीकॉप्टर में शुरू हो गई घूमना रोड। ये हनुमान बेनीवाल की फौज ने राजस्थान के अंदर किया, और तेजा जी के भक्तों की फौज ने राजस्थान के अंदर वसुंधरा को ठीक किया, और गहलोत का दिमाग ठीक किया, और पायलट तो है क्या, इसको वैसे ठीक कर देंगे, पर आप चिंता मत करो। तो मेरे भाइयों, तैयारी कर लो, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है, जुड़ जाओ। आप जो चाहते थे वो काम मैंने कर दिया, 29 को वो भी काम हो जाएगा। नया इतिहास हमें राजस्थान के अंदर बनाना है। हर जगह जब नई पार्टियां बनी थी तब वहां भी भ्रांतियां थी, उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर जहां कांग्रेस 400 से ज्यादा सीटें लिया करती थी, 84 85 एमपी कांग्रेस के हुआ करते थे, 54 MP बिहार के अंदर कांग्रेस को हुआ करते थे, वहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का पता भी नहीं लगा, ऐसी स्थिति वहां बनी। साउथ के अंदर भी ऐसे दल बने, तो राजस्थान इतना कमजोर नहीं है। जब केजरीवाल की जाति की संख्या नहीं दिल्ली के अंदर, वो जब 67 सीट ले सकता है दिल्ली में, तो अपने पास इतनी फौज है राजस्थान के अंदर, अपने दलित मुसलमान और हमारे सारे भाइयों को साथ ले लेंगे, और भाई हमारे आने के लिए तैयार है, सबका एडजस्टमेंट करके बैठ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना, अभी हर कोई कैंडिडेट मत बन जाना, नहीं तो मर जाएंगे अपन, समझ रहे हो ना। कहीं ऐसा नहीं हो सारे सारे अभी तो मैं ही लड़ूंगा, ऐसा प्लीज, कहीं मेरा फोटो लगा के भी जाओ ना तो मेरे को पूछ जरूर लेना था, फोटो लगाऊंगा। ऐसे कैंडिडेट बन जाओगे तो फिर मोर्चा गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो मोर्चे को जिंदा रहना है, पार्टी का गठन होगा, उसके बाद मिलकर निर्णय करेंगे। और ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, हनुमान बेनीवाल के साथ चुनाव मैदान में वही व्यक्ति होगा जो जनता की सेवा करेगा, ईमानदार होगा, और जो आगे तक लड़ाई लड़ने का मजा रखता है, और सारे लोगों को साथ लेकर चलेंगे। और अब अभी अपनी पार्टी के ऐलान हुआ, 2-3 नेताओं के टेलीफोन आ गए कि कैसा क्या रहेगा। मैंने कहा सब ठीक ही रहेगा, कि हमारे कांग्रेस में तो बहुत दावेदार है, एक एक सीट पे 15-15 है, तो मैंने कहा एक उधर से लड़ लेना, 14 इधर आ जाना। कई जगह ऐसे भी सीट करेंगे, कई जगहों पर, सब जगह तो नहीं, हमारे सारे दावेदार सब तैयार कर रहे हैं, अच्छी फौज है। और हमारा मकसद ये है कि एक बार इन दलों की दादागिरी राजस्थान के अंदर खत्म करें, कि भाई एक बार ये कांग्रेस पार्टी 5 साल तो हमें दिखी नहीं, कहीं हुंकार भरी नहीं, कहीं संघर्ष किया नहीं, किसान आंदोलन भी हो तो कांग्रेस का कोई रोल नहीं था। और हमने राजस्थान के अंदर अगर कांग्रेस भी लड़ी, विधानसभा के अंदर भी, बाहर भी, तो भी कांग्रेस को भी सपोर्ट किया, क्योंकि वसुंधरा से झगड़ा था, हम एक विपक्ष है और हम विपक्ष की भूमिका राजस्थान में निभा रहे थे। लेकिन हमें जब जरूरत पड़ी तो कभी न तो विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने साथ दिया और न दूसरे लोगों ने साथ दिया,
और दूसरे लोगों को जहां मेरी आवश्यकता पड़ी सरकार के खिलाफ, तो हनुमान बेनीवाल ने बिना सोचे समझे ईश्वर को वो मान के अपने दिल की आवाज से हर व्यक्ति की मदद करने का राजस्थान के अंदर प्रयास किया। अन्याय जहां भी हुआ मैं उसके खिलाफ बोला, और अन्याय करने वाले अगर मेरी जाति के लोग भी थे तो उनके खिलाफ बोलने से भी मैंने गुरेज नहीं किया। अन्याय और अपराध करने वाला किसी का नहीं होता, ये मैं नौजवानों को विशेष रूप से आपको संदेश भी देना चाहूंगा। एक चीज का संदेश नौजवानों को यह भी दूंगा कि हमें नशे की प्रवृत्ति से दूर रखे। ये 2 महीने का जो टाइम है, इस 2 महीने के टाइम के अंदर आपको रात और दिन जुट जाना है। 29 तारीख का जो 20 दिन का टाइम आपको मिला है, इसमें मैं सबसे बड़ा धन्यवाद तो दूंगा सोशल मीडिया की मेरी पूरी टीम को राजस्थान के अंदर, जिन्होंने एक नई ताकत के रूप में मुझे आगे लेके आप लोग आए, देश के अंदर इस आंदोलन को बढ़ाया और प्रदेश के अंदर उन सब विरोधियों के मुंह बंद कर दिए जो चाहे जैसे बयान देते थे, चाहे जैसी गुंडागर्दी भ्रष्टाचार करते थे। इसमें मेरे नौजवानों की टीम का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सोशल मीडिया की मेरी टीम से आह्वान करूंगा कि आप लोग आज से ही जुड़ जाए। 29 को तो सेमीफाइनल है, पार्टी की घोषणा होगी, फाइनल जल्दी हो जाएगा, इसकी भी तैयारी करनी है। अभी लेट नहीं अपन सही टाइम पे, ज्यादा जल्दी हो जाते तो मुझे पता है कि नौजवानों को संभाल के रखने में कितना जोर आता है। तो अब सही टाइम है और सही टाइम पे अपने को धमाका करना है। हम कोई राजस्थान के अंदर नए नहीं है, हमने तो राजस्थान के गांव गांव 5 साल में कितनी बार चले गए। कुछ जिले जो हमारे बचे हैं टोंक, अलवर, जयपुर और इस साइड का जो हमारा कुछ अजमेर का इलाका है, इन जिलों के अंदर हम बड़ी बड़ी सभाएं भी करेंगे, गांव गांव जाने का प्रयास भी करेंगे और बाकी जिलों के अंदर जहां रैलियां हो गई वहां भी व्यक्तिगत पहुंच के प्रयास करेंगे कि एक बार हर जिला मुख्यालय पे हम मेन मैन जो हमारे लोग हैं, जो तहसील मुख्यालय प्रयास करेंगे। तो 19 दिन का समय, इस 19 दिन के समय के अंदर पूरे राजस्थान के जवानों और किसानों को न्योता देने के लिए मैं व्यक्तिगत तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं पहुंच पाऊंगा तो मेरे छोटे भाई इस आवाज को गांव ढाणी और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। और अब की बात हमें इस बात की भी खुशी है कि शहरी वर्ग हमारे साथ बहुत ज्यादा तादाद में जुड़ेगा। आप देखना कि जयपुर की रैली के अंदर किस तरह जयपुर शहर से नाचते गाते नौजवान जयपुर की रैली के अंदर आएंगे। और सवाई माधोपुर दौसा का वो इलाका जो डॉक्टर साहब के जाने के बाद आपको लगता होगा कि खाली हो गया, लेकिन उस इलाके से भी हजारों की तादाद के अंदर राजस्थान का जवान हनुमान बेनीवाल और इसकी टीम को मजबूती देने के लिए, कांग्रेस और वसुंधरा का दिमाग ठीक करने के लिए अपनी रैली के अंदर आएगा। मेरे भाइयों, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सब आए, सुबह 9 बजे से आप सब लोग बैठे। छोटी सी सूचना पे 5 साल आपने, जब भी मैं पहले दिन से 150 गाड़ियों के साथ निकलता था, मेरे कई समर्थक परेशान हो गए थे मेरे से, हर जिले के समर्थक परेशान हो गए कि भाई साहब अपन राज में भी आएंगे कैसे तेल जलाते हुए घूम रहे, कहते थे बच्चे। और मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि बेरोजगार बच्चे अपनी अपनी गाड़ियां तेल भरवा के खाने की व्यवस्था खुद ही करते थे और 5 साल हनुमान बेनीवाल के काफिलों में संख्या जुटती गई और ऐसे काफिले निकलते थे जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नहीं निकलते, 1000 गाड़ियां भी काफिले चल रहे। इसके लिए भी राजस्थान के नौजवानों को धन्यवाद। 36 कौम के लोग हमारे साथ थे, 36 कौम के लोग हमारे साथ हैं। हम मिल बैठ के तय करेंगे, सारे भाइयों को जोड़ेंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, मैं धोखा नहीं दूंगा, एक बार आपको मौका दूंगा राजस्थान के अंदर, बस आप तरीके से चलना, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि जोश के अंदर होश खो बैठो और रैली और सरकार बनने से पहले ही सोच लो बढ़ गई सरकार, ये मत करना, इससे क्या गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ अपने को नहीं करनी। आज बहुत राजस्थान की जो कानून की स्थिति है, सबसे ज्यादा किसान के बेटे हाथ के अंदर हथियार लेके, हाथों में हथियार लेके कोई एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे, पर मारने वाले भी हमारे लोग हैं, मरने वाले भी हमारे लोग हैं, और लोग उनको टूल बना के, किस तरह सत्ता के अंदर बैठे मंत्री उनको टूल बना के अपने लोगों को डिमोरलाइज कर रहे हैं, उनके सीने पे गोलियां मार रहे हैं। मेरे भाइयों, उन लोगों को भी याद रखना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपन कोशिश करेंगे, पिछली बार भी मैंने कोशिश करी थी, 2-4-5 लोगों को राजस्थान की विधानसभा में आने से रोका था, लेकिन इस बार इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूं, किसान विरोधी जो भी लोग हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, उन लोगों को भी विधानसभा से अलग से उनको रोकने की अलग रणनीति बनानी होगी। उनको तो रोकना ही रोकना है,
उनको रोकना है और सरकार के अंदर आना है, ईमानदार रहना है और आगे बढ़ना। ये सारे काम अपने सामने बहुत बड़ी चुनौतियां, उन लोगों को भी रोकना है जो सुरक्षित सीटों पे जीत के आ जाते हैं और हमारे लोग समझ नहीं पाते और वो हमारे खिलाफ यहाँ काम करते हैं, उनको रोकना अलग है और हमारा राज बनाना मोर्चे को कामयाब करना अलग है। तो दोनों तरह की दो मोर्चों पर लड़ाई हम राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा राजस्थान के जवानों पे कि जिस तरह 5 साल आपने मेरा साथ दिया, सारी लड़ाई बुला दी और हनुमान बेनीवाल पे गाड़ी पे जब हमला हुआ तो सारे संगठनों के, चाहे वो वीर तेजा सेना हो, चाहे जाट महासभा के जितने संगठन हो, और उस समय तो NHOI और विद्यार्थी परिषद के बच्चे भी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे, शेड्यूल कास्ट मीणा समाज के 36 कौम के बच्चे विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे 5,000 की ज्यादा संख्या में पुलिस से भिड़ गए थे और राजस्थान की पुलिस को भगा दिया था, मेरे लिए लाठियां खाई, खून बहाया। मैं मेरे भाइयों को इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि उनको जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, मेरे भाइयों के लिए मैं तैयार हूँ। बीकानेर के अंदर जब NHOI ने आंदोलन किया तो हनुमान बेनीवाल बाड़मेर की रैली बीच में छोड़ गया और मेरे भाइयों को संभल दिया और जेल से बिना मुकदमे जेल से उनकी रिहा कराई बिना मुकदमे। कांग्रेस के नेता नहीं आए थे बीकानेर के अंदर और मेरा कांग्रेस पार्टी से इस बात को लेकर भी झगड़ा है। कृष्ण जी मेरे सामने बैठे हैं, इनके पिताजी भी राजस्थान की राजनीति में लंबे टाइम तक थे, दौलतराम जी, चौधरी कुंभाराम जी, ऐसे अनेकों नाम है जिन्होंने कांग्रेस को गांव गांव डाली डाली मजबूत करने का प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारे नेताओं को कभी मौका नहीं दिया राजस्थान के अंदर। और ये कांग्रेस वही पार्टी है जिसने भरतपुर के अंदर राजा मान सिंह की हत्या करवाई थी। हमें इस पार्टी को याद रखना है भाइयों। जब दादा परदादा की कोई बात होती है ना, दुश्मनी अपने लोग कैसे करते हैं कि मेरे दादा के खिलाफ था, परदादा के खिलाफ था। अगर अपन सारी बातें भूल जाएंगे तो फिर इतिहास राजस्थान का नहीं लिखा जाएगा। हमें उन 85 की तरफ जाना होगा। लोग कहते हैं ना मुझे कि कांग्रेस से आपका क्या झगड़ा है, तो मैंने कहा मेरा तो बहुत झगड़ा है कांग्रेस से, मेरा पहले का भी झगड़ा है और 1985 से लेकर 52 तक का झगड़ा है। जब कोई सपूत परिवार के अंदर पैदा होता है ना तो अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर देता है, और कपूत होता है ना तो पूर्वजों के अलावा नाम भी धो देता है। तो हनुमान बेनीवाल किसान का बेटा ऐसा सपूत है कि 52 से लेकर आज तक हमारे लोगों को जिन जिन ने घर बिठाया मैं उन सबको घर बिठा दूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिला। वसुंधरा तो भाग गई लेकिन गहलोत पायलट और उन सब लोगों को जिन्होंने हमारे नेताओं को चुन चुन के राजस्थान के अंदर मारा था उनका भी सर्जिकल स्ट्राइक राजस्थान के अंदर कर देंगे। आप तो तैयार रहो, एक दिशा में रहो और अभी तक अब एक ही बात करना सा रखो कि हमें सत्ता हासिल करनी राजस्थान के अंदर, हमें सारे हमारे भाइयों को 36 कौम के भाइयों को, क्योंकि 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ था सामंतवाद का जोर था उस समय गढ़ किलों के सामने से गरीब आदमी जूती पहन के भी नहीं निकलता था, तब हमारी कौम के नौजवानों ने उन बूथ उंगली पकड़ के बूथ तक हमारे दलित मुसलमान और 36 कौम के भाइयों को बूथ तक लेके गए और 1952 के चुनाव के अंदर मतदान करा के इन जागीरदारों को मुक्त कराया। तो हमें तो सब पसंद करते हैं लेकिन अब हमारे नेताओं ने लड़ना छोड़ दिया, कोई कांग्रेस का दामन थाम रहा, कोई कहीं जा रहा, पार्टियों ने धोखा दिया तो हमसे लोग नाराज हो गए। हमें हमारे उन सब भाइयों को जो 1947 से पहले और बाद में हमारे साथ थे उन सब जातियों को हमें साथ लेना है, 36 कौम को साथ लेना है। हमारा किसी जाति बिरादरी से हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, सारी जातियों में अच्छे लोग होते हैं और हर जाति के अंदर 100% अच्छे भी नहीं होते। तो मेरे भाइयों 36 कौम को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे और राजस्थान से ये दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तैयारी कर लो, समय आ गया। अब तो जिस तरह एग्जाम की डेट घोषित होने के बाद कुछ समय बचता है तो 29 अक्टूबर डेट घोषित, जयपुर के अंदर देश का इतिहास और उसके बाद आपका पोल और फिर देश आपके हिसाब से चलेगा, राजस्थान नेतृत्व तो करेगा देश का। ऐसी स्थितियां भी देश के अंदर बन सकती है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान के कोने कोने से आप सब लोग अल्प सूचना पे आए। मेरी इच्छा थी कि मैं आपको ज्यादा तंग परेशान नहीं करूं इसलिए मैंने रात को अचानक, जैसे पार्टी टिकट जारी करती है ना एकदम रात को 12-1 बजे सूची आती है, तो मैंने फेसबुक पे 11 बजे डाला। मुझे पता था 1 बजे तक सब इंतजार अभी रैली का ही करे, तारीख का 11 बजे डालते सुबह आप हजारों की तादाद के अंदर ही आ गए। मैंने मना भी किया था कई लोगों को, मैंने कहा मत आना, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से आओगे, आएंगे जिद कर ली। तो मैं भी, आप जितने जिद्दी हो मैं भी जिद्दी हूँ,
आप जो चाहते हो वही मैं चाहता हूँ। हनुमान बेनीवाल अब एक नाम नहीं है, राजस्थान के अंदर एक विचारधारा है जो सामंती ताकतों के खिलाफ राजस्थान में लड़ा, किसान के बेटों को उनका हक और अधिकार दिलाया और भ्रष्टाचार और अपराधियों के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ी और किसान का जो गौरव है वो हमारा पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं राजनीतिक रूप में, राजनीति में वैक्यूम किसान राजनीति का आ गया। तो आपका भाई हनुमान बेनीवाल पुनः किसान राजनीति का गौरव राजस्थान के अंदर लौटाएगा और राजस्थान का गौरव जो वसुंधरा ने खत्म किया है, गहलोत ने खत्म किया है, इस गठजोड़ को तोड़ेगा और किसानों का राज राजस्थान के अंदर लाएगा। आप सब आए इसके लिए धन्यवाद। आज से ही आप जुड़ जाएं और अपने अपने रूट चार्ट जो जो लोग बैठे हैं, टोंक वाले टोंक का तैयार करो, अलवर वाले अलवर का करो, शेखावाटी वाले शेखावाटी का करो। कम से कम टाइम आपको, मेरा कम से कम टाइम लेना है क्योंकि ज्यादा टाइम जयपुर जिला अलवर टोंक जहां अपन पहले कम घूमे थे वहां अपन ज्यादा टाइम देंगे और जिन इलाकों के अंदर हमने रैलियां कर ली वहां आप आमंत्रण एकाध जगह कार्यक्रम करके कर लेना। उसके लिए मुझे पता आप सब तैयार हो। अब तो आपको गांव गांव डाणी डाणी जाके खुद को मेहनत करनी है, अभी से व्यवस्था करनी है कैसे क्या चलेंगे। उस दिन ऐसा सैलाब जयपुर के अंदर आना चाहिए जैसे कुंभ का मेला जयपुर में भरा है और इतना काम आप लोग करोगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।